शुक्रवार को रिलायंस AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो फोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन का मुख्य मकसद फीचर फोन यूजर को एक स्मार्ट डिवाइस पर अपग्रेड करना है। जियो फोन की कीमत की बात की जाए तो एक तरफ से मुफ्त है। आपको 1,500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर से जमा करने होंगे, जो 3 साल बाद डिवाइस वापस करने पर आपको मिल जाएगी। जियो फोन में 2.4 इंच का कलर डिस्प्ले, ड्यूअल सिम कार्ड स्लॉट, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, FM रेडियो और 22 भारतीय भाषाओं के लिए सपोर्ट है। रिलायंस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जियो फोन में फिलहाल व्हाट्सएप की सपोर्ट नहीं है। इस फोन में वॉइस कमांड फीचर है, जिससे आप फोन को कॉल या मैसेज करने को कह सकते हैं। टैप एंड गो पेमेंट्स के लिए NFC सपोर्ट भी है और आप आपका बैंक अकाउंट, UPI और क्रेडिट और डेबिट कार्ड इससे लिंक कर सकते हैं। फोन को ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलेंगे। जियो फोन यूजर को 153 रुपए महीने पैक में 500 MB 4G डेटा रोज मिलेगा, जबकि कॉल और SMS मुफ्त रहेंगे। इसके अलावा 2 दिन के लिए 24 रुपए और 1 हफ्ते के लिए 54 रुपए के 2 टॉपअप रिचार्ज भी लॉन्च किए गए हैं। इस फोन की टेस्टिंग 15 अगस्त से शुरू होगी, जबकि प्री बुकिंग 24 अगस्त से शुरू होगा। फोन सितंबर में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिकेगा। देखने के लिए शुक्रिया। इस फोन के बारे में और जानकारी के लिए gadgets360.com पर जाइए। हिंदी में पढ़ने के लिए hi.gadgets360.com पर जाइए।